दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ एलईडी बल्ब बनाने के सबसे आसान तरीके। सब एलईडी बल्ब जो आप देख रहे हैं, बल्ब जो आप उजाला देख देख रहे हैं, रहे ये हैं उजाला कंपनी के है, 9 वाट एलईडी है। इसको सबसे आसान तरीके से एलईडी रिपेयर करने के लिए मैं आपको आज बताऊंगा। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं ऐसा ही न रोज नया नया वीडियो लाता रहता हूँ। तो आइए बनाने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप अपने एलईडी बल्ब को आसानी से ओपन करें। ओपन करने के लिए आपको इस पे कैप पे लगे ऐसे ऐसे एक दो बार करना होगा। एक दो बार करने के बाद इसको कैप को हटा दे। कैप को हटाने के बाद उससे इजी सबसे पहले इस प्रिंट को हटा दे यहाँ से, जबकि मैंने ये हटा दिया, देख लीजिए दोस्तों। हटाने के बाद आपको इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, सब हटा देना है। मैंने उसको हटा दिया। हटाने के बाद इस एल्युमिनियम प्लेट को भी हटा दे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको भी हटा दिया। हटाने के बाद इसमें लगे किट को पहले आप निकालें। देखिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसको हटाएं। देखिए मेरे भाई, कि बल्ब को पहले इस किट को और इस बल्ब को आसानी से को लगे रंगे को अच्छी तरह से साफ कर दें। मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप समझ पाइएगा कि एलईडी की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि एलईडी को आसानी से कैसे रिपेयर करें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए मेरे भाई, पहले इसको हटा देना है। इसमें होल दिखने लगेगा आपको, हटा दीजिएगा। तो देखिए मैंने इसको हटा रहा हूं। देखिए मेरे भाई, मैंने पहले इसको साफ कर दिया। देखिए अच्छे तरह से इसको साफ कर दें। साफ करने के बाद सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आप इसमें लगे इस कीट को हटा दें। देखिए मेरे भाई, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। ये देखिए, मैंने पहले इस किट को इस प्लेट से हटा दे। हटाने के बाद दोस्तों इस बल्ब लगी किट को हटा दे इसमें से। ये देखिए दोस्तों, मैंने हटा दिया। इसको हटाने के बाद आपको इसमें से पुराना वाला कुछ भी नहीं लेना है, नहीं किट चाहिए और नहीं ये बल्ब चाहिए। इस दोनों को हटा दीजिए। हटाने के बाद सिर्फ आपको ये प्लेट चाहिए, एल्यूमिनियम प्लेट। उसके बाद बॉडी और कैप चाहिए। कैप लेने के बाद सबसे बेसिक बनाने का सबसे आसान तरीका दोस्तों ये देखिए, ये जो कंपनी ने निकाला है, ये देखिए, ये एलईडी किट है जो आपको अवेलेबल मार्केट में 25 से 30 रुपए में मिल जाएगी। इसको आपको मार्केट से परचेस कर लेना है, यानी कि खरीद लेना है। खरीद लेने के बाद सिंपली आप इसको घर लाएं, अपने एलईडी जितना भी खराब हुआ है सबके अनुसार अपना खरीद लीजिए। खरीदने के बाद आपको सिंपली इस किट को यहाँ कस दीजिए। देखिए दोस्तों, आसानी से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, लेकिन इसमें मैं लास्ट में बताने वाला हूँ इसका कनेक्शन कैसे करें। देखिए दोस्तों, इसको कस देना है। कसने के बाद ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको कस दिया। कसने के बाद सिंपली आपको करना ये है कि ऐसा एक वायरिंग वायर लेना है, या वायरिंग वायर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली कोई भी वायर यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने ये वायरिंग वायर कट कर दिया। कट करने के बाद इसको आप पहले रफ कर दें। देखिए मेरे भाई, ये मैंने रफ करके इसको आसानी से प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर दें। सॉफ्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली करना ये है कि आपको ये वायर को, इसमें एक पार्ट्स लगेगा अभी जिससे आपकी एलईडी बल्ब जलेगी, वो मैं बताऊंगा कि उसकी पावर क्या है। इस तार को आसानी से इस कैप के दोनों टर्मिनल से ओपन कर देना है दोस्तों। मैंने जैसे ही निकाल दिया, इस दोनों टर्मिनल से आपको ये दोनों वायर को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाना है। ये देखिए दोस्तों, पेस्ट लगाने के बाद आप इसको सोल्ड कर दीजिए। सोल्डिंग अच्छे से करें, अत्यधिक रंगा लगाएं, ताकि आपके होल्डर में बैठने में एलईडी दिक्कत ना करे। देखिए दोस्तों, मैंने इस पे लगा दिया।
हटाने के बाद आपको ये जो एक्स्ट्रा बची वायर को कट कर देना है। देखिए मैंने इसको कट कर दिया। सबसे मुख्य कनेक्शन यहीं पे है दोस्तों, इसको ऐसे साफ कर लें, थोड़ा सा रफ करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन करने की सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यही है, इसमें देता है, इसमें साइड में दिया है तो भी ठीक है चलेगा। दोस्तों इसको एलईडी को कीट को इसमें जरूर कसें, क्योंकि अगर आप एलईडी कीट को इसमें नहीं कसेंगे तो आपकी एलईडी हीट होगी और हीट होने के बाद आपकी एलईडी कीट फ्यूज भी हो सकती है, इसलिए हीट का हीट सिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी एलईडी कीट हीट ना हो। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको कनेक्शन हम बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए दोस्तों मैं इसे कनेक्शन कर रहा हूँ, देख लीजिए दोस्तों, आप पहले समझ लीजिए। सिंपली आपको यहाँ से एक वायर लेना है और सीधे आपको ओपनली लेके आ जाना है। उसके बाद देख लीजिए आप दोस्तों कनेक्शन इसकी इस डायबोर्ड से होकर दो टर्मिनल यहाँ बनी हुई है, सिंपली आपको इस पे ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद आप जो नट खोले थे किट से, इस किट को इस नट को इसमें एडजस्ट कर देना है आपको। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, देखिए इसको मैंने यहाँ कस दिया। कसने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको बैठा देना है, जैसा था वैसा कर देना है। करने के बाद एक्स्ट्रा बची वायर को अंदर दाब देना है। अंदर दाबने के बाद मैं इसकी टेस्टिंग करके दिखा दे रहा हूँ कि आपकी एलईडी 100% जलने के लिए तैयार है। दोस्तों मैंने टेस्टिंग के लिए ये वायर बनाया हुआ है, इस वायर को मैंने यूज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने वायर में लगा दिया प्लॉक, प्लॉक लगाने के बाद देखिए दोस्तों इसको मैं लगा रहा हूँ। देखिए दोस्तों हमारी एलईडी 100% जलने के लिए तैयार है। देखिए दोस्तों हमारी एलईडी जल रही है, ये मैंने बनाया है। इसकी कुल खर्च, एलईडी बनाने में कुल खर्च दोस्तों मैक्सिमम 25 रुपये आती है। देखिए दोस्तों ये कितनी बढ़िया जल रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस ही नए नए एलईडी बॉल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिक संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ।